पहले नंबरिंग कर लेता हूँ इसको। भाई ठीक से खेले तो ये बहुत ही आसान है, सही तरीके से आपको इसको खेलना पड़ेगा। ठीक है, पहले ए फिर डी क्लॉकवाइज, फिर ए फिर सी फिर डी एंटी क्लॉकवाइज, फिर सी फिर बी फिर डी एंटी क्लॉकवाइज, फिर से बी दो बार, डी एंटी क्लॉकवाइज, ए सी बी दो बार, डी एंटी क्लॉकवाइज। अभी बीच वाला पार्ट आप मिला सकते हैं, इसको आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान भाई। ये पजल है, बहुत ही दिक्कत भरा पजल है भाई। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे लास्ट वाला जो टी फिगर है वो मिल गया है।